उत्तर प्रदेश में आज ये स्थिति, शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दिया गया, शिक्षक को एक बंधुआ मजदूर बना दिया गया। छोटी सी छोटी अगर कोई व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में भी टीचर को लगा दो, बीएलओ बनाना है टीचर को लगा दो, मतगणना करनी है टीचर को लगा दो, जनगणना करनी है टीचर को लगा दो। जो शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान ने हमारे बच्चों के लिए दिया है, उस मौलिक अधिकार पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। जब शिक्षक विद्यालय में नहीं होगा, शिक्षण कार्य नहीं करेगा, तो उनके मौलिक अधिकार को कौन पूर्ण करेगा? लगभग 1.5 लाख विद्यालय है उत्तर प्रदेश में और लगभग 15 लाख शिक्षक हैं जो रोजी पा करके भी रोटी के लिए मोहताज हैं। पुरानी पेंशन कई प्रदेशों में, जबकि केंद्र सरकार ने भी जो 2005 से पूर्व में विज्ञापित पद थे, लेकिन उत्तर प्रदेश योगी की हठधर्मिता के कारण यहाँ पर वो समस्या का निदान नहीं हो पाया है आज तक। हमने मुख्य रूप से दो मांग रखा उनके, नंबर एक पुरानी पेंशन योजना, नंबर दो कि माध्यमिक स्तर तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। राहुल जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए निकले हैं।